सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको अपडेट किया था कि हरियाणा में बम्पर भर्तियां होने वाली हैं 2024-25 में। वो बम्पर भर्ती की वीडियो जरूर देख लेना भाई, कब से आपकी भर्ती आने वाली है, कितनी भर्ती आएंगी, सारी की सारी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम फालतू चीज़ें शेयर नहीं करते, सिर्फ काम की बात करते हैं। और भर्तियों पर पहली मोर आज की वीडियो में लग चुकी है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि आपके साथ जेन्युइन चीज़ें शेयर की जाए, जो आपके मैसेज कमेंट आते हैं स्पेशली उन पर भी जानकारी लेके आते हैं। दोस्तों, थोड़ा समय का अभाव है तो आपके लिए स्पेशली आपके जो मैसेज कमेंट हमारे पास आए हैं, तो एक दिन स्पेशली वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सवाल है जरूर पूछिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, बात करते हैं जो आज की अपडेट आ रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं भाई हिम्मत सिंह। तो हिम्मत सिंह कौन है भाई, चुनाव के बीच नियुक्ति हुई है, पूरी पूरी जानकारी देंगे भाई आप सभी को। चुनाव को बीच ऐसा क्या हो गया कि भाई इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी और इनको नियुक्त किया जाएगा। यानी आपकी भर्तियों का जो रोड मैप तैयार किया गया उस पर पहली मोर लग चुकी है। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया हरियाणा में भर्तियां कंप्लीट करने की कहीं ना कहीं तेज़ी से शुरू होने वाली है, आपको पता भी नहीं लगेगा, अभी से तैयारी शुरू कर दो। वीडियो देख लेना भाई, कितने प्रकार की वैकेंसी आने वाली हैं। यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन होंगे हिम्मत सिंह। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट रह चुके हैं भाई जर्नल सिंह, जो आपके एडिशनल एडवोकेट जर्नल हैं। सरकार ने चुनाव आयोग से नियुक्ति की परमिशन मांगी भाई, इसको नियुक्त किया जाए। सरकार परमिशन ले रही है चुनाव आयोग से, तो ये परमिशन मांगी गई है। ये आपके भाई कैथल के निवासी हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैथल के निवासी हैं। हरियाणा सरकार ने हिम्मत सिंह को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो लोकसभा जो आपका चुनाव है, इसके चलते आचार संहिता लागू होने के कारण नियुक्ति की घोषणा नहीं की गई, लेकिन जल्दी से जल्दी वही इलेक्शन कमीशन से इसकी अनुमति मांगी है कि अनुमति हमें दी जाए और इसको नियुक्त किया जाए। आधिकारिक रूप से इसकी नियुक्ति की जाएगी। हिम्मत सिंह कैथल के रहने वाले हैं। फिलहाल ये एडिशनल जो एडवोकेट जनरल है जी साहब भाई, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी उसकी जिम्मेदारी पे अभी भाई पदभार इनका संभाल रहे हैं। तो नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग को लिखा दिया लेटर, यानी जल्दी से जल्दी इसकी नियुक्ति की जाए भाई, ये जानकारी है। तो आप सभी समझ गए भाई, कैथल के निवासी हैं हिम्मत सिंह और बड़ी हिम्मत मारेंगे आपकी भर्तियां पूरी करने में। अब आप पे डिपेंड है दोस्तों, आप किस थिंकिंग से, किस विचार से आप अपनी तैयारी करते हैं। क्योंकि देखो, हरियाणा सरकार तो जो पहले कर रही थी भाई उसी वे पे करेगी, आपको पता भी नहीं लग जाएगा कि हरियाणा में कब वैकेंसी आएंगी और कब पूरी हो जाएंगी। क्योंकि इनको तभी हरियाणा के अंदर जगह मिलेगी जब ये आपका कुछ करेंगे, क्योंकि हरियाणा का युवा, हरियाणा की जनता जागरूक हो चुकी है। आप सभी को पता, गांव गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, इसलिए इलेक्शन के बीच में परमिशन लेके आपके सामने ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप शुरू से ही अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम दोस्तों कभी भी आए, आपने एग्ज़ाम को निचोड़ के रख देना है, आपने जो पानी है आप तैयारी कर लीजिए। ये आपके जो हिम्मत सिंह नियुक्त होंगे, ये जल्दी से जल्दी परमिशन लेके आपको लेटर लिखा जो सरकार ने जो चुनाव आयोग को उस पर मोहर लग जाएगी, और ये अपना पदभार संभालते ही एक्शन मोड में भी आएंगे। ये एडिशनल जो आपके एडवोकेट जनरल हैं, फिलहाल पदभार संभाल रहे हैं, कैथल के निवासी हैं भाई। ये भी प्रश्न आ सकता है, जो आपके नए चेयरमैन बने हैं कहाँ के निवासी हैं, कैथल के निवासी हैं भाई, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात थी कि आपके नए चेयरमैन बन चुके हैं, तैयारी कर लीजिए बिल्कुल आराम से, ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा काम है आपसे जुड़ी हुई जानकारी, आपके मुद्दे, जेन्युइन चीज़ें यहाँ पर रखी। फिर भी दोस्तों, आपका कोई सवाल रहा हो, अधूरी जानकारी रही हो, तो नीचे आप बता दीजिए। जो आपके ऑथेंटिक सवाल हैं, कोई भी मुद्दा है कि सर इस पे वीडियो बनाएं, तो हम उस पे भी वीडियो बना देंगे, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, ये बात थी कि आपके नए चेयरमैन बन चुके हैं, तैयारी कर लो, पढ़ लो, इन्जॉय कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी समय है, आचार संहिता लगी हुई है, थोड़ा और लेट एग्ज़ाम होंगे तो आप और अच्छा कर पाएंगे अगर आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।